हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक की। कैसा रहा आज का दिन? 31 तारीख की वीडियो देखी थी कि नहीं देखी थी? देखिए, मैंने आपको उस वीडियो में कहा था कि हम लोग जो एनालिसिस करते हैं उसमें हमको 2-4-8 दिन पहले कुछ हमारे एनालिसिस हम लोगों को बताना चालू कर देती है कि भाई अब कुछ भारी भरकम हो सकता है, या फिर अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड। 31 तारीख की मेरी वीडियो का मैंने टाइटल दिया था स्टॉक मार्केट में अब आ सकती है भारी गिरावट, और कहा था आप लोगों को शेयर करिए मैक्सिमम ताकि आपके फ्रेंड्स फैमिली में किसी को नुकसान ना हो। और देखिए आज क्या हुआ। उस वीडियो में मैंने ये भी कहा था जब मंदी आती है तो लिफ्ट की तरह नीचे आती है, और जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो सीढ़ियों से चढ़ते हैं, उस तरह से तेज़ी आती है। अगर उस वीडियो को मिस कर दिए हैं तो ऊपर कार्ड में आप लोगों को लिंक दिख रहा है, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब बात करते हैं स्टॉक्स में मैंने जो फ्राइडे के जो वीडियो अपलोड किए थे उसमें आज के जो आप लोगों को स्टॉक्स बाय करने की रिकमेंडेशन दी थी, तब मैंने स्पेसिफाई कर दिया था कि अगर आज मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, अगर यूएस ईरान का कोई और इशू एस्केलेट होता है तो उसको सब कॉल्स को अवॉइड कर दीजिएगा। मुझे काफ़ी लोगों की कन्फर्मेशन भी आ गई कि किसी ने कोई एग्जीक्यूशन नहीं किया है, मैं बहुत खुश हूँ। चलिए बात करते हैं स्टॉक निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक की। निफ्टी बैंक निफ्टी का बात करके आज के लिए जो लेवल्स दिए थे उन लेवल्स की बात करके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कहीं पर कोई एग्जीक्यूशन हो नहीं पाया। निफ्टी के जो सपोर्ट निकल के आ रहे हैं कल के लिए, मंगलवार के लिए, वो आ रहा है 12,025 और 11,960 और रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं 12,090 और 12,150। आज का जो हाई पोस्ट हुआ है 12,217.85, ये हाई किसी को देखने नहीं मिला होगा, 180-170 के दायरे में ही वो गैप डाउन ओपन करके वहीं ट्रेड करवाने लग गया था। 12,217.85 का हाई लगा है, 12,025 का लो लगा है, 12,040 का क्लोज हुआ है। अच्छा, आप लोगों को ये फिगर याद ना हो शायद, 12,025 जब ये निफ्टी 12,025 और 40-50 के आसपास का हाई लगा के बार बार ये डाउनवर्ड मूवमेंट देता था, वो होता था 11,969.70, ये उस रेंज में फंसा हुआ था, और आज वही लेवल का इसने लो पोस्ट किया है। शायद आप लोग ये फिगर भूल जाते होंगे, लेकिन हम लोगों को ये फिगर्स याद रखने पड़ते हैं। इसीलिए आजकल जो लो पड़ा है वो निफ्टी का, वो सपोर्ट लेवल का पड़ा है, क्योंकि जो पहले रेजिस्टेंस था अब वो सपोर्ट बन गया, इसलिए यहाँ पर ये बाजार आके रुक रहा था। दूसरा बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के लिए जो सपोर्ट निकल के आ रहे हैं कल के लिए, वो आ रहा है 31,240 और 30,950, ये हो गए सपोर्ट। रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं 31,530 और 31,830। अब मैं आप लोगों को आज का जो हाई पोस्ट हुआ है बैंक निफ्टी का, वो हुआ है 32,023.85, लो पोस्ट हुआ है 31,286 का, और क्लोज हुआ है ये 31,350 में। तो ये हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी की बातचीत। मैं अब आप लोगों को मैजिकल लेवल अपडेट कर दूं। निफ्टी का जो मैजिकल लेवल है वो है 12,152। आप लोगों को मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में कहा था कि जब भी ये 150 के नीचे क्लोज 150 के नीचे अगर ट्रेड करना चालू कर दे तो आप कोई भी स्टॉक्स में लॉन्ग मत रहिएगा। आज देखिए, जब से इसने 150 को ब्रेक दिया है तब से वो 150 के ऊपर नहीं जा पाया है। तो ये होते हैं लेवल्स के कमाल। दूसरा, निफ्टी का मैजिकल लेवल 12,152 का, बैंक निफ्टी का मैजिकल लेवल 31,830 का। अब अगर ये 31,830 के ऊपर चलती है तब ये बुलिश ट्रेंड पकड़ लेगी। मैं आप लोगों को एक मोटा माटी रेंज बताता हूँ कल मुझे क्या एक्सपेक्टेशन है। कल मुझे लगता है कि निफ्टी 11,960 और 12,025 जो आज का लो है उसके बीच का एक लो लगाएगी और ये भागेगी। यानी मेरे हिसाब से ये 100 और 150 के बीच का हाई लगाना चाहिए और 90 के आसपास की क्लोजिंग होना चाहिए। बाकी तो देखते हैं कल क्या होता है। अब बात करते हैं कुछ स्टॉक स्पेसिफिक की, जहां हम लोगों को एंट्री करनी है, क्या रणनीति बन के आ रही है। जैसा मैंने आपको कहा कि ये लो हो सकता है कल बाज़ार में, फर्स्ट हाफ में मंदी के आसार बने रहें और ये क्लोजिंग में 1-1.5 बजे के आसपास, 12 बजे के बाद ये तेज़ी पकड़ना चालू कर दे। इसीलिए हमारे किसी भी, मैं नहीं चाहूँगा कि कोई ट्रेंड के अगेंस्ट में काम हो। अगर सपोर्ट लेवल में हम लोगों को बाजार दिखता है कि बाय करना चाहिए तो हम लोग ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं जाएंगे। जैसा मैं हमेशा कहता आता हूँ, ट्रेंड इज़ ए फ्रेंड। स्टॉप लॉस लगा के काम करेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है।
रिलायंस इंडस्ट्री को पहला बाय करना है। अभी हमारे पास एक भी कॉल की होल्डिंग नहीं है। एक अदानी पोर्ट्स था, आज वो भी बुक हो गया। आज पूरा मार्केट एक तरफ डाउन साइड चल रहा था, लेकिन अदानी पोर्ट्स अपना टारगेट हिट कर चुका है। तो हमारे पास अभी हमारे पोर्टफोलियो में एक भी बाय और सेल पोजिशन ओपन नहीं है। जो भी होगा फ्रेश होगा। रिलायंस इंडस्ट्री को बाय करना है 1485 और 1488 की रेंज में। आज की क्लोजिंग इसकी 1500 के आसपास की हुई है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 1464 का। टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1510, 1510 और 1522। ये हुआ रिलायंस इंडस्ट्री। दूसरा कॉल निकल के आ रहा है आई बुल, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। 298301 के आसपास इसको बाय करना है। 294 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 311 और 318 के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये हुआ दूसरा कॉल। तीसरा कॉल निकल के आ रहा है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स को 183-184 के आसपास बाय करना है। 178 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और 191 और 202 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में जैसा मेरा एक्सपेक्टेशन है वैसा चल पड़ता है तो ये सारे पोजिशनल कॉल बन जाएंगे, आप इन सबको होल्ड करिएगा। चौथा कॉल निकल के आ रहा है इन्फोसिस। इन्फोसिस को 741-743 की रेंज में सेल करना है। 747 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 734 और 728 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चूंकि ये सेल कॉल है, मेरे सारे लेवल्स स्पॉट कैश के होते हैं, तो आप लोगों को इन्फोसिस इंट्राडे में काटना होगा चाहे जो भी भाव हो। पांचवा कॉल आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक को 519-521 के आसपास बाय करना है। 514 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 526, 526 और 533 के। तो ये हुए हमारे पांच कॉल, जिसमें से इन्फोसिस हो सकता है इसमें से एक दो एग्जीक्यूट ना हो पाए, और इन्फोसिस को तो आपको एनी विच वेज इंट्राडे में काटना ही होगा। अगर चारों हमारे बाय हो जाते हैं और किसी का स्टॉप लॉस नहीं होता है तो भी हमारे पोर्टफोलियो में इतनी जगह होती है कि हम इन सबको होल्ड कर सकें। तो ये हुई बात निफ्टी की, बैंक निफ्टी की और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक की। कोई फंसा तो नहीं है ना? फंसे होंगे तो अपनी गलतियों की वजह से फंसे होंगे। मेरे साथ जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं वो बस रूल्स फॉलो करते रहिए। ऊपर कार्ड में आप लोगों को न्यू ईयर रिजोल्यूशंस का वीडियो दिख जाएगा, जो मेरे नए दर्शक, जो लोग नए लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं उन दर्शकों के लिए नहीं। ऊपर कार्ड में आप लोगों को वो लिंक मिल जाएगा 2020 का, जो हम लोगों ने रिजोल्यूशन किए हैं। अगर आप लोग जो मेरे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हैं, अगर उनमें से किसी ने उसको मिस कर दिया है तो वो भी वो वीडियो को ज़रूर देखें। बस रूल्स फॉलो करते रहिए, ट्रेंड में रहिए। एक दो दिन ट्रेड नहीं होता है तो चिंता मत करिए, बाजार हम बुढ़े होते हैं, बाजार बुढ़ा नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिए। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और भी अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करिए, ताकि वो लोग भी मेरी बताई हुई रणनीतियों को एग्जीक्यूट करके बना सकें भरपूर मुनाफा। फिर मिलूँगा, बात करूँगा दूसरे वीडियोस में अपने कमोडिटीज़ की और ऑप्शन रणनीति की। और कल बात करूँगा इसी टाइम पर, इसी प्लेटफॉर्म पर, निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक की। तब तक के लिए हैव ए गुड ट्रेडिंग टाइम। जय हिंद, जय भारत।